उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यानी कि UPCL के MD अनिल यादव को एक्सटेंशन मिला, जिसको लेकर सचिव मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के संयोजक बॉबी पवार में विवाद भी हुआ। विवादों पर सफाई देने के लिए UPCL के MD ने प्रेस वार्ता करते हुए विवाद के तथ्य झूठे बताए हैं। UPCL के MD ने क्या सफाई दी, देखिए खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD पद पर तैनात अनिल यादव के एक्सटेंशन से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बेरोजगार संघ के संयोजक बॉबी पवार द्वारा लगातार MD के पूर्व के मामलों को उजागर करते हुए उनके एक्सटेंशन को गलत बताया जा रहा है, तो वहीं UPCL के MD ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले में MD UPCL का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर उनके खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी पिटकुल MD के दौरान के हैं, जो सरासर गलत हैं। डेमोक्रेसी में सबको अपना अधिकार है कि जो किस पर चाहे जिस पर आरोप लगा दे। वही मैं बता रहा हूँ, तथ्यात्मक रूप से सिर्फ अगर जब आप बात करेंगे तो तथ्य नहीं है, हियर से बेसिस पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हैं और कल के दिन कोई कह दे कि आपने वहाँ तीन घंटे अभी समय यहाँ पर हैं, लेकिन कोई आदमी कह दे कि आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो तथ्य कहाँ है? आप तो यहाँ हैं ना। उसी तरह से ये है कि जो फैक्ट्स हैं उसको ट्विस्ट करके किया जा रहा है। फैक्ट्स अभी अब आपके सामने जब फैक्ट्स आएंगे तब आप लोगों को स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि फैक्ट्स से कितनी गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। एक एक करके मैं जवाब देता हूं, आप नोट कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर जो चीजें कही जा रही हैं उनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, और उन आधारों बेसलेस चीजों को फैलाया जा रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं है और थोड़ा तकनीकी विभाग है, इसलिए ना समझे किसी तथ्यों को ट्विस्ट करके रखा जा रहा है। अब आप एक एक करके बताते जाएंगे और आप लोगों को स्पष्ट होता जाएगा कि कैसे। UPCL के MD अनिल यादव और ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया है। MD ने कहा है कि सेवा विस्तार देना राज्य सरकार का विषय है। उत्तराखंड शासन के अधीन तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक निदेशकों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और सेवा स्तर सहित अन्य शर्तों के लिए नियमावली 2021 में जारी हुई है। इस नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा सेवा विस्तार दिया जाता है। साथ ही प्रबंध निदेशक और निदेशकों पद पर चयन 5 साल के लिए होता है। 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार 2 साल विस्तार देती है। उसमें तीन प्लस दो ये कौन सी नियमावली 2019 वाली में? 2019 की डिपार्टमेंट की और सरकार की नियमावली भी है जो एडॉप्टेड है इस समय सर्विस कंडक्ट रूल की, जो सर्विस रूल्स की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज़ को मेरे से ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप चाहें तो इसको रूल्स रेगुलेशंस वगैरह देख लें आप, और सब नियमानुसार सरकार ने किया होगा, क्योंकि सरकार को सब चीज़ों का मालूम है कि जवाब देना। वहीं UPCL के MD ने सफाई देते हुए कहा कि साल 2014 में उनके बेटे ने BTech करने के बाद देहरादून में 3 महीने की इंटर्नशिप की। उस समय वह मुख्य अभियंता के पद पर तैनात थे। उन्होंने बेटे को इंटर्नशिप कराने के लिए तत्कालीन MD से लिखित में मंजूरी भी ली थी। 3 महीने में उनके बेटे के खाते में मात्र 40,000 रुपए आए, जो किसी भी तरह के रिश्वत नहीं थे बल्कि इंटर्नशिप के थे। लेकिन 40,000 रुपए को बढ़ा चढ़ाकर 400 करोड़ की गड़बड़ी और 400 करोड़ की संपत्ति का हल्ला मचाया जा रहा है। 2014-15 में मैं दिखाऊं, मेरे पास है बाई रिकॉर्ड, मैं लेके आया हूं आज, क्योंकि ये प्रश्न मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे बेटे ने BTech किया, ही वॉज अ टॉपर। उसे जॉब मिली, उसने जॉब नहीं ज्वाइन किया, उसने कहा मैं MBA करूंगा। लेकिन MBA में आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में MBA करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप किया है या एक्सपीरियंस किया है तो उसमें 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से वो डिग्री करके आया था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसने कहा कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ जिससे मुझे 1 या 2 नंबर का मिलता है, वो वेटेज मिलता है, नॉट ग्रेस, वेटेज मिलता है। तो हमने कहा कर लो बेटा। उसको बाहर भी मिला था लेकिन वो देहरादून में रह करके MBA की प्रिपरेशन करना चाहता था कैट की, इसलिए उसने यहीं ज्वाइन कर लिया, बाई दी यहीं ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने जो MD से, मैनेजिंग डायरेक्टर से अप्रूवल लिया, सर्विस रूल में लिखा हुआ कि आप विद ड्यू परमिशन या विद ड्यू कंसेंट, वैसे कंसेंट है, आप किसी को इंटर्नशिप में डाल सकते हैं। मैं आपके बेटे को भी डाल सकता हूँ, आपको आपके परिवार को भी डाल सकता हूँ। मैंने अपने एक बेटे को इंटर्नशिप करा दी, वो भी 3 महीने की, जिसका कि उसने इनकम टैक्स में शो किया है। मैं इनकम टैक्स का भी डिटेल लेके आया हूँ, इनकम टैक्स में भी शो किया है, एक्सपीरियंस में भी शो किया है, और उसने जहाँ पर MBA किया है वहाँ पर भी उसने शो किया है।
12 साल 15 साल पहले मुझे मालूम था कि एमडी बनूंगा तो इस तरह से लोग जो है या डायरेक्टर बनूंगा तो इस तरह से आरोप लगाया जाएगा। इंटर्नशिप कर लेना कोई इतना बड़ा क्राइम हो गया, और उसके लिए पेड में कितना पैसा मिला उसके अकाउंट में 40,000 रुपए के करीब जो है ऑन एन एवरेज बनता था, 40,000 रुपए के हिसाब से उसको मिला। इसको ये बताया जा रहा है कि रिश्वत के तौर पे है। सॉरी, आप आज की डेट में इंटर्नशिप, हाँ, ये 40,000 रुपए 400 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट करके जा रहे हैं। इतने भ्रष्ट हैं कि वो तो अपने ही खाते में खाको ले लेते हैं, और मेरे पास आज की डेट में रिकॉर्ड के तौर पे है। बेटे से जुड़े फर्जीवाड़े पर उन्होंने कहा कि मैशर्स ईशान वाले प्रकरण में उन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं की, लेकिन जब ये प्रकरण हाई कोर्ट में था तब वो एमडी पिटकुल नहीं थे। साथ ही मैशर्स आईएमपी के 18 ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता को लेकर अनिल यादव का कहना है ये ट्रांसफार्मर सभी सही थे, उनको गलत तरीके से चलाया गया। साथ ही इन ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता के मामले में आईआईटी रुड़की सीपीआरआई बैंगलोर ने भी अपनी रिपोर्ट में सही बताया है, और साल 2014 से 2016 के बीच आईएमपी कंपनी से खरीदे गए 18 ट्रांसफार्मर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी सही से काम कर रहे हैं। अर्ध सत्य को किस तरह से परोसा जाता है और फिर हम पब्लिकली को हर एक को नहीं समझा पाते हैं। वी आर सेइंग, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी वी आर सेइंग दैट दिस वाज द ट्रांसफार्मर विच वॉज परचेज इज लोएस्ट पॉसिबल डिजाइनेबल लॉस। इस तरीके का डिजाइन कराया गया था ट्रांसफार्मर का, इससे नीचे का डिजाइन संभव ही नहीं है। समझ रहे शब्दों को बता रहे, इससे नीचे का डिजाइन, इसके बावजूद ही इस रिपोर्ट में किसने बनाई है रिपोर्ट जिसको लहराया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा प्लीज क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसको लहरा के कहा जा रहा है कि हाई लॉसेस के ट्रांसफार्मर परचेज कर लिए गए। जबकि आप मल्टीनेशनल कंपनी से पता लगा लीजिए, किसी आईआईटी के प्रोफेसर से पता लगा लीजिए, डीजी सीपीआरआई से पता लगा लीजिए कि वेदर दिस वाज डिसाइडेड और नॉट, ये भी तो देखा जाएगा ना, लोएस्ट डिजाइनेबल पॉसिबल लॉसेस, ये भी तो परचेज किए गए, ठीक है। और इसकी जांच सीपीआरआई आईआईटी कहीं से करा, ऑलरेडी की जा चुकी है, सुन लीजिए, आईआईटी ने किया है, पावर ग्रिड ने, PGCIL जो भारत सरकार पावर ग्रिड ने किया है, PGCIL ने किया है, सीपीआरआई बेंगलोर को इसकी रिपोर्ट गई उसने किया है, और आईआईटी बार बार इस प्रश्न को उठाया गया है कुछ द्वारा, आईआईटी रुड़की ने इसकी सारी चीज की रिपोर्ट किया है और साफ साफ लिखा है कि सीपीआरआई सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, दैट इज द ओनली प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री जिसके मानक को ये माना जाता है, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टेक्निकल, जो भी पैरामीटर्स का डिसीजन होते हैं वहां से होते हैं सीपीआरआई। उत्तराखंड में फिलहाल आधा दर्जन से अधिक विभाग हैं जहां एक्सटेंशन का खेल जारी है। फिलहाल मामले में जहां अनिल यादव की सफाई सामने आई है, वहीं बेरोजगार संगठन मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। ऐसे में अब आगामी दिनों में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि ये मामला दिलचस्प बना हुआ है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।